हेलो किसान दोस्तों, नमस्कार किसान साथियों। आज के वीडियो में आपको यश राजा कंपनी की पावर टिलर की आज डेमो देने वाला हूं। इस खेत में किसान साथियों मैंने धान की कटाई किया हूं। आपको दिख रहा होगा धान का जो पौधा का जड़ है वो लगा हुआ आपको पूरे खेत में, और इसमें मैं गेहूं की बुआई करने जा रहा हूँ। तो आपको इसमें दिखाता हूँ पूरा प्रोसेस कि यह ट्रैक्टर जो है यश राजा कंपनी का, यह जुताई अच्छे से कर पाता है या नहीं कर पाता है। यह पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि किसान साथियों कंपनी वाले जो आपको हल्की मिट्टी में जुताई करके, जो बालू वाली मिट्टी होता है उसमें आपको जुताई करके वीडियो यूट्यूब पर दिखाता होगा, आपको प्रलोभन देता है कि यह ट्रैक्टर बहुत अच्छा जुताई करता है और आप खरीदें। तो कंपनी वाला अपनी जो ट्रैक्टर बनाता है उसका प्रचार करता है, तो आपको सख्त मिट्टी में उसका जुताई करके नहीं दिखाता है, और किसान को लेने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम आता है सारे कुछ आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो हमारे खेत में आपको दिख रहा होगा किसान साथियों कि इसमें मैंने धान कटाई किया हूँ और कुछ दिनों के लिए यह खेत में खाली रह गया था। धूप लगने के बाद जो नमी है इसमें थोड़ा कम हो गया है और यह मिट्टी सख्त है। तो इसमें आपको इस ट्रैक्टर से जुताई करके दिखाऊंगा कि सही जुताई कर पाता है या नहीं कर पाता है। तो आप किसान साथियों वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और लास्ट में अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर भी कर सकते हैं। यह ट्रैक्टर खरीदे हुए मुझे लगभग 8 से 9 महीने हो चुका है किसान साथियों। तो उस टाइम मैं जब लिया था तो मेरा गेहूं की बुआई हो चुका था, तो मैंने इसकी जो धान कटाई होने के बाद जो खेत खाली होता है तो वह सख्त मिट्टी और पूरा बैठ जाता है, तो उसकी जुताई मैं नहीं कर पाया था। तो इस वजह से इस बार मैं इसकी बुआई गेहूं की बुआई इस ट्रैक्टर से करने वाला हूं। तो देखता हूं कि गेहूं की बुआई अच्छी तरह से हो पाता है या नहीं हो पाता है। तो मैं करूँगा इसी से ही, या जो पावर वीडर है इससे ही गेहूँ की बुआई करूँगा दोस्तों। तो अंत तक ज़रूर बने रहें, और इसका जर्मिनेशन गेहूं की हो पाता है या नहीं हो पाता है, कैसा पौधा जर्मिनेशन होता है और जुताई किस प्रकार से होता है, यह सारी बातें आपको इसमें दिखाने वाला हूं इस वीडियो में। दोस्तों मैंने YouTube पर वीडियो देख करके यह पावर टिलर यश राजा कंपनी से लगभग 8 से 9 महीना पहले ख़रीदा था। मुझे अच्छा लगा कि यह अच्छी जुताई करेगा और मुझे सहयोग होगा खेती करने में, और मुझे पैसे की बचत होगा। किसान का पैसे बहुत मेहनत का होता है दोस्तों। मैंने भी बहुत मेहनत से यह 50 से 60 हज़ार रुपया की कमाई करके बचत किया था, जिससे मैंने यह ट्रैक्टर 50 हज़ार में ख़रीदा था यश राजा कंपनी से। तो 8 महीने हो गया है, 8 महीने में कुछ ऐसा खराबी तो नहीं हुआ। तो दोस्तों लेकिन जो आपको कंपनी वाले सब दिखाता है यूट्यूब पर कि आपकी जुताई अच्छी करता है, तो वो जुताई करके जो आपको दिखाता है बालू वाली मिट्टी में जो बहुत अच्छी बारीक कर देता है, और रह गई बात किसान साहब की, वो कहता है कि आपको घंटे में 800 से 900 ml ही तेल की खपत करता है यह ट्रैक्टर। तो ऐसा कुछ भी नहीं किसान साहब को। जब मैं खेतों में जुताई करता हूँ तो इसका एक्सीलेटर फुल होता है, और फुल होने की वजह से किसान साथियों यह घंटे में लगभग 2 लीटर से ऊपर की तेल की खपत करता है, तब जा कर के यह जुताई करता है। और इसमें कुछ कमियां भी है किसान साथियों, जैसे मैं जुताई कर रहा हूं तो यह बार बार जो आगे जो इसका नीचे धुरा जो चलता है ब्लेड वह अटक जाता है और बार बार उठाना पड़ता है। किसान साथियों से मेहनत बहुत ज़्यादा है आप खेत की, अगर ये मेरा खेत है 5 कट्ठे, मैं चाहूँगा कि इसकी जुताई लगभग 1 घंटे में कर लूँगा तो ऐसा संभव है, क्योंकि इस खेत की जुताई करने के लिए मुझे किसान साथियों लगभग 2 से 3 घंटा लग गया है, क्योंकि मैं ये रिकॉर्डिंग या बाद में कर रहा हूँ किसान साथियों। तो आपको मैं अब पूरी बात बताने वाला हूँ, और आप इस ट्रैक्टर से जब जुताई करेंगे जो सख्त मिट्टी वाली खेत की, तो आपको बाजू में और कमर में और हाथों में बहुत सारे दर्द होना चालू हो जाता है, क्योंकि यह वाइब्रेट बहुत ज़्यादा करता है दोस्तों, थकान बहुत आता है। लेकिन जुताई लगभग जो काम निकल जाता है ऐसी जुताई करता है आपको, अच्छी जुताई नहीं हो पाता है। यह ट्रैक्टर आप खेत जुताई के लिए ना ले, यही मैं रिक्वेस्ट आपसे करूंगा किसान साथियों। यह इस ट्रैक्टर से आप छोटे मोटे खेतों की जुताई कर सकते हैं, बागवानी कर सकते हैं, जैसे जिसमें आप पेड़ पौधे लगाए हुए हैं
उस खेत की खरपतवार आपको निकालना है, जिसमें यह ट्रैक्टर अच्छा काम करता है, जिसमें बड़ा ट्रैक्टर नहीं चल पाता है क्योंकि पेड़ पौधे लगे रहने की वजह से। उसमें यह ट्रैक्टर काम कर जाता है, आप उस पेड़ पौधे के चारों तरफ घुमा करके आप इसकी जुताई कर लेंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि गेहूं की खेत, धान की खेत आप इससे जुताई कर लेंगे, तो वो अच्छी जुताई नहीं कर पाता है और ज़्यादा अंदर तक भी जुताई नहीं हो पाता है। किसान साथियों, तो आप पूरा वीडियो देखिए कि मैं यह खेत किस प्रकार से जुताई करता हूँ। मैं वीडियो थोड़ा फास्ट कर देता हूँ और आप देखिए, और बाद में मैं आपको नाप के दिखाऊँगा कि यह कितना गहरा जुताई किया है और किस प्रकार से जुताई किया है। तो मैं वीडियो किसान साथियों थोड़ा फास्ट कर देता हूँ क्योंकि खेत बहुत बड़ा है और इस वजह से आपको मैं वीडियो या लंबा हो जाएगा। तो चलिए मैं वीडियो थोड़ा फास्ट कर देता हूँ और आप अंत तक ज़रूर बने रहें। तो दोस्तों, लगभग आधे पौन घंटे की मेहनत के बाद मैं इस खेत को आधे ही जोत पाया हूँ और मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है और आपको ज़्यादा समय मैं नहीं लेना चाहता हूँ। अब मैं दिखा देता हूँ आपको कि एक बार में यह कैसी जुताई किया है। तो लगभग किसान साथियों, यह 2 से 3 इंची गहरा जुताई ही किया है, 2 इंची लगभग, इतना ही गहरा किया है कि धान का जो जड़ है वो उखाड़ के बाहर की तरफ फेंक दिया है और मिट्टी जो है वह ढेले ढेले में ही है, या मिट्टी पूरी तरह से मिक्स नहीं हो पाया है। तो किसान साथियों, मैं इसमें गेहूं बुआई करने के बाद एक बार जुताई कर देता हूं, उसके बाद मैं इसकी गेहूं की छिड़काव करूंगा खेत में, गेहूं और खाद की। उसके बाद मैं 2 बार इस ट्रैक्टर से और जुताई करूंगा, जिससे यह खेत थोड़ी बहुत मिट्टी जो मिक्स हो जाए, नहीं तो गेहूं की जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा। तो किसान साथियों, मैं पूरी जुताई करूँगा, उसके बाद भी आपको वीडियो दिखाऊँगा। पहले आपको नाप के दिखा देता हूँ यह कैसी जुताई किया है, और आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि कोई ख़ास जुताई नहीं करता है, ज़्यादा गहरी जुताई भी नहीं करता है। आपको YouTube पर जो वीडियो दिखाता है कंपनी वाले सब, वह आपको बेवकूफ़ बनाता है। वह बालू वाली जो मिट्टी होती है पहले से जोती हुई। तो किसान साथियों, आपको जो बालू जुताई करके मैं दिखा दिया हूँ, आपको समझना है कि किसान साथियों खरीदना चाहिए, अगर आप जुताई के लिए ट्रैक्टर खरीदते हैं तो आपको नहीं खरीदना, जरूरी है तो ही पैसा लगाएं, नहीं तो नहीं लगाएं।